Good morning class. This is our new pharmacology class in which today we will study about the antifungal drugs. Means the drugs act on fungi. Fungi is unicellular to multicellular organism which cause many kind, many type of diseases like opportunistic infection, systemic infection, cutaneous, subcutaneous infection in human body or on human body. These are the contents of our study. First of all, fungi are eukaryotic cells जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियाई सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं. इसकी सेल वॉल रिजिड होती है चिटिन की वजह से और पॉलीसेक्राइड की वजह से, और इसके सेल मेम्ब्रेन में अर्गोस्टिरॉल जैसा कंपोनेंट भी पाया जाता है. जबकि बैक्टीरिया की तो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, इसलिए एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स जो होते हैं सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी दिखाते हैं इनके ऊपर. इसके अलावा फंगाई और मैमिलियन सेल में क्या फ़र्क होता है, एंटीफंगल ड्रग्स जो होती है नॉन सेलेक्टिव होती हैं. एंटीफंगल ड्रग्स जो होती हैं जनरली ज़्यादा टॉक्सिक होती है एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स के कंपैरिजन में. फंगाई की चार क्लासेस होती हैं, ईस्ट लाइक फंगाई, डायमॉर्फिक फंगाई और मोल्ड्स. ईस्ट गोल गोल जैसी आपको जो दिखाई दे रही होती हैं, थोड़ी ओव्यूलेटेड स्ट्रक्चर होती है. मोल्ड्स जो होते हैं वो धागेनुमा स्ट्रक्चर होती है. ईस्ट लाइक ऑब्वियस है, वो गोल गोल जैसी जो फंगाई गोल नहीं है उसके जैसी दिख रही है. और डायमॉर्फिक फंगाई जो कि अलग अलग टेम्परेचर पर, एक टेम्परेचर पर मोल्ड जैसी और दूसरे टेम्परेचर पर ईस्ट जैसी दिखाई देती है, उसको अपन डाइमॉर्फिक फंगाई कहते हैं. अब फंगाई के टाइप्स यहाँ पर बता रखे हैं कि क्या क्या खासियत है भाई. जैसे ईस्ट है वो बडिंग के थ्रू मल्टीप्लाई कर रही होती है. इन्फेक्शन क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस, इन्फेक्शन का नाम क्या है, मेनिनजाइटिस, और कॉज कौन करता है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन. ऐसे इसलिए ईस्ट लाइक जो फंगाई होती है वो हमेशा फिलामेंटस स्ट्रक्चर की होती है जिसको अपन हाइफी कहते हैं. इसमें कैंडिडा एल्बिकेंस आती है. ये ओरल और वेजनल थ्रश कॉज कर देती है, सिस्टमिक कैंडिडाइसिस कॉज करती है. डायमॉर्फिक फंगाई जो है वो फिलामेंटस और ईस्ट दोनों की तरह ग्रो करती है. इसमें हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम आता है, ये सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज करती है. और मोल्ड जिसको अपन डर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं, जो आपने सुना है दाद, खाज, खुजली, तो वो दाद जो है इसी डर्मेटोफाइट से हो रहा होता है. ये फिलामेंटस फंगाई है, स्पोर बना करके ये डिवाइड करती है. इसके अंदर ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन आती है. स्किन, नेल और हेयर का इन्फेक्शन कॉज करती है. इसको आम भाषा में अपन रिंग वर्म कहते हैं. अब फैक्टर्स जो कि फंगल डिजीज फैलाते हैं, तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जो लोग ले रहे होते हैं उनके अंदर फंगाई का इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी को एड्स है जिसमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है, या ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक्स जो लोग खा रहे होते हैं, या कीमोथेरेपी एजेंट्स जो लोग ले रहे होते हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है. फंगल इन्फेक्शन और फंगाई जो होती है वो इन्फेक्शन कॉज करती है लाइव इन एसोसिएशन विद ह्यूमन कमेंसली और इन एनवायरनमेंट के थ्रू, या ह्यूमंस के अंदर जो कमेंसल रह रहा होता है वो भी इन्फेक्शन कॉज कर देता है अगर उसको मौका मिल जाए, यानी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करेगा. फंगाई के इन्फेक्शन को अपन माइकोसिस कहते हैं. यूके के अंदर सबसे कॉमन डिजीज थी कैंडिडायसिस जो कि फंगाई से होती है, कैंडिडा एल्बिकेंस से. क्लिनिकली अगर अपन माइकोसिस को क्लासिफाई करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था चार तरह की इन्फेक्शन है. क्यूटेनियस जो बॉडी के बाहर, सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे, सिस्टमिक को अपन डीप टिश्यू भी कहते हैं, गहरे तक हो जाती है. और इसी सिस्टमिक जो गहरे तक हो गई वो तो डीप टिश्यू, और अगर ये मौका मिलने पे हुई कि हमारी बॉडी का पार्ट था और मौका मिलने पे हो गई तो उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं. क्यूटेनियस में स्किन, हेयर और नेल्स के अंदर हो जाता है, केराटिनाइज लेयर के अंदर. सब क्यूटेनियस में डर्मिस और सबक्यूटेनियस मसल्स जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं. सर्जिकल डिब्राइडमेंट इंटरवेंशन के थ्रू अपन इसको ट्रीट करते हैं. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के अंदर जो फंगाई है वो इम्यूनो डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स के अंदर घुसती, अदरवाइज कोई इन्फेक्शन हमारे को नहीं करती है. और दूसरा जो सिस्टमिक माइकोसिस जिसको अपन डीप टिश्यू फंगाई भी कहते हैं, लंग्स में प्राइमरली ओरिजिनेट होती है और दूसरे ऑर्गन सिस्टम तक ये फैल जाती है. क्लासिफिकेशन एंटीफंगल ड्रग्स का जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर देखिए. पहला, ये फंगाई की सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक देता है. दूसरा, सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड हो जाता है. तीसरा, अर्गोस्टॉल के सिंथेसिस को रोक देता है. चौथा, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देता है. और पांचवा, ये माइटोटिक स्पिंडल
को डिस्टर्ब करता है, जिससे माइटोसिस रुक जाता है और लास्ट मिसिलेनियस इसका इफेक्ट होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पहला हमने कहा सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकता है, जैसे इकाइनोकैंडेंस वगैरह में देखने को मिल रहा होता है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन में जो अर्गोस्टिरॉल होता है उस पर बाइंड हो जाएगा तो परमियबिलिटी बढ़ जाएगी। एम्फोटेरिसिन बी ड्रग की ऐसी खासियत होती है। नेक्स्ट अर्गोस्टिरॉल लेनोस्टिरॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। एलेलामिन ग्रुप में होता है, टर्बिनाफिन देखने को मिल रहा होता है ऐसे केसेस। अर्गोस्टिरॉल के सिंथेसिस को रोकने वाला ट्रायाजोल ग्रुप होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को 5-फ्लूसाइटोसिन रोक देता है। माइटोसिस को रोकना ग्राइसोफल्विन का काम है। और मिसिलिनियस में टॉपिकल एजेंट जैसे साइक्लोपाइरॉक्स आते हैं, टोलनाफ्टेट्स आते हैं, नेफ्टिफाइन, ब्यूटेनाफाइन, टॉपिकल एजोल्स वगैरह इसमें आती हैं। अब एंटी फंगल थेरेपी जो हम दे रहे होते हैं उसके क्या क्या टारगेट है, जो अभी अभी अपन ने बोले सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और डीएनए सिंथेसिस। सेल मेम्ब्रेन में पॉलीइन्स, एजोल्स, एलाइलामिन्स और मॉर्फोलिन्स आती हैं। डीएनए सिंथेसिस में फ्लूसाइटोसिन और ग्राइसोफल्विन आती है। सेल वॉल में इकाइनोकैंडेंस आती हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एंटी फंगल ड्रग का, तो जो अभी बोला है वही दिखाया गया है। जैसे इकाइनोकैंडिन देखो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये सेल वॉल पे एक्ट कर रही है। एम्फोटेरिसिन बी सेल वॉल पे एक्ट कर रही है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पर इनका एक्शन होता है। यहाँ पर ये स्क्वेलो अंदर इसके सेल के अंदर स्क्वेलिन से लेनोस्टिरॉल अर्गोस्टिरॉल बन रहा है, उसको रोकने के लिए एजोल्स है, टर्बिनाफिन है, नेफ्टाफिन है, एमोरोल्फिन है। न्यूक्लियस में डीएनए सिंथेसिस को फ्लूसाइटोसिन रोक देती है। प्रोटीन वगैरह आगे का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें ग्राइसोफल्विन का रोल होता है। तो इस तरह से ये अलग अलग दवाइयाँ इसके अलग अलग जगहों पर एक्शन दिखा रही होती हैं। तो ये तो था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन देखिए, एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, एजोल, एलाइलामिन, अदर टॉपिकल एजेंट्स भी अपन काम में ले सकते हैं। अब सबसे पहले एंटीबायोटिक्स के अंदर पॉलीइन्स आते हैं, जैसे एम्फोटेरिसिन बी। देखो सभी सिस्टमिक फंगाई के इन्फेक्शन में अपन एम्फोटेरिसिन बी दे सकते हैं। एक तो ये चीज़ रट्टा मार लीजिए आप, एम्फोटेरिसिन बी सभी सिस्टमिक फंगाई के इन्फेक्शन में दी जा सकती है। इसके अलावा निस्टाटिन, हैमेसिन, नेटामाइसिन वगैरह। दूसरी हिट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन के अंदर ग्राइसोफल्विन आती है। एंटी मेटाबोलाइट में फ्लूसाइटोसिन 5-FC जिसको अपन कहते हैं। एजोल्स में इमिडाजोल्स टॉपिकली लगाई जाती है, यानी क्यूटेनियस के अंदर काम में आ रही होती है, जिसके अंदर इकोनाजोल, माइकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, ऑक्सीकोनाजोल और कीटोनाजोल सिस्टमिक असर दिखा रही होती है। कीटोनाजोल तो बाकी सब टॉपिकली लगाई जाती है। ट्रायाजोल जो सिस्टमिक यूज़ की जाती है वो फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और वॉरिकोनाजोल। देखिए एक तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है, जोल जो लग रहा है ये फंगाई के इन्फेक्शन वाली ड्रग्स होती है, इस तरह से आपको याद रखना है, जोल लगता है पीछे। इसके अलावा एलाइलामिन में टर्बिनाफिन आती हैं और दूसरे टॉपिकल एजेंट्स में टोलनाफ्टेट, अंडरसाइक्लिनिक सॉरी क्लैनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्विनोडोक्लोर और साइक्लोपाइरॉक्स, ओलामिन, ब्यूटिनाफिन, सोडियम थायोसल्फेट वगैरह आ रही होती हैं। अब ट्रीटमेंट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन सुन लीजिए, केमिकल बेसिस पर कर लिया। तो सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने वाली जो सिस्टमिकली दी जाते हैं, सुपरफिशियल इन्फेक्शन को और एंटी फंगल ड्रग्स को ठीक करने वाली। अब सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए ट्रायाजोल, एम्फोटेरिसिन बी, कीटोकोनाजोल, इकाइनोकैंडिस और फ्लूसाइटोसिन दे सकते हैं। सिस्टमिकली देने वाली ड्रग्स में सुपरफिशियल अगर इन्फेक्शन हुआ है तो ग्राइसोफल्विन और टर्बिनाफिन दे सकते हो। टॉपिकली में निस्टाटिन, वही जो नाम अभी तक अपन ने लिखे वो सब आ रहे हैं। अब सबसे पहले इकाइनोकैंडिन, 3 इकाइनोकैंडिन आजकल करंट यूज़ में है, कैस्पोफंजिन, माइकाफंजिन और एनाइडाफंजिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सेल वॉल को तोड़ देता है और उसमें सिंथेसिस को भी रोक देता है। थेरापेटिक यूज़ एस्परजिलस फंगाई का इन्फेक्शन हो जाता तो ये काम में ले सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक ओरली
एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है, इसलिए इसको धीरे धीरे इन्फ्यूज़ ही करना पड़ेगा। एडवर्स में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है और लीवर फंक्शन बिगड़ जाएगा पर्सन का, उसको गर्म गर्म हमेशा महसूस होता रहेगा, गर्मी गर्मी रहेगी, फ्लशिंग चेहरे के ऊपर, अचानक से पसीना आ जाएगा, सर में दर्द होगा, रैशेज हो जाएंगे। ड्रग इंटरेक्शन कैस्पोफंजिन के कॉम्बिनेशन में साइक्लोस्पोरिन जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हिपेटोटॉक्सिटी का रिस्क रहता है। एंजाइम इंड्यूसर्स जो हैं वो इस कैस्पोफंजिन के क्लियरेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं, जबकि कैस्पोफंजिन टैक्रोलिमस के क्लियरेंस को बढ़ा देती है। दूसरी है एंटीबायोटिक्स, इसमें एम्फोटेरिसिन बी देनी है, इसको पॉली इन ग्रुप आता है। इसमें केमिस्ट्री और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, भाई इसके मैक्रोसाइक्लिक रिंग होती है बस, ठीक है, डबल साइड वगैरह अपन को फार्मा का आंसर देना नहीं, इसलिए ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बस अर्गोस्टिरॉल जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है उसके लिए इसकी एफिनिटी होती है, ये उसके साथ जुड़ जाता है, जिससे कि फंगल सेल मेम्ब्रेन की परमियबिलिटी बदल जाएगी और उसमें पोर्स बन जाते हैं, छेद हो जाएंगे बस, और छेद हो जाएगा तो उसकी सेल डेथ हो जाती है। तो ये दिखाया गया है एम्फोटेरिसिन बी कैसे पोर कॉज कर रही है, दिख रहा है ना डायग्राम के अंदर, तो ये पोटेशियम वगैरह का आउटफ्लक्स होने लग जाता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स वगैरह पोर के थ्रू जो है वो बाहर चले जाते हैं, फिर फाइनली सेल जो है वो मर जाती है। रेजिस्टेंस इसका अर्गोस्टिरॉल के रिप्लेसमेंट के थ्रू, दूसरे स्टिरॉल से अगर अर्गोस्टिरॉल का रिप्लेसमेंट हो जाता है फंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो फिर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये तो अर्गोस्टिरॉल पर बाइंड हो रही थी, अर्गोस्टिरॉल अगर रिप्लेस हो गया तो ये असर नहीं दिखाएगी। फार्माकोकाइनेटिक जीआईटी पोली एब्जॉर्ब होती है, ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है अगर इंटेस्टाइनल फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन के लिए ये ट्रीटमेंट नहीं दिखाती है। वाटर में इंसॉल्युबल होती है, कोलोइडल सस्पेंशन में अपन इसको बना रहे होते हैं तो आईवी इन्फ्यूजन से आप इसको दे सकते हो। नेक्स्ट एंटी फंगल स्पेक्ट्रम या थेरापेटिक यूज़ देखिए, ईस्ट ग्रुप और कुछ मोल्ड ग्रुप के फंगल इन्फेक्शन में काम में ले सकते हैं, सुपरफिशियल कैंडिडायासिस में दे सकते हैं, इन्वेसिव एस्परजिलोसिस में दे सकते हैं, म्यूकोर माइकोसिस ऑपरचुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है लंग्स का उसमें दे सकते हैं, रैपिडली प्रोग्रेसिवली ब्लास्टोमाइकोसिस हिस्टोप्लाज्मोसिस में, नॉन एड्स क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस अगर किसी को हुआ हो तो, क्योंकि एड्स में तो ये बहुत खतरनाक हो जाती है। क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस को कहते हैं दिमागी बुखार है ये, जो फंगाई की वजह से होता है उसको अपन क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस कहते हैं, ये मैं आपको पैथो में पढ़ाऊंगी, याद रख लीजिए। एडवर्स इफेक्ट एक्यूट टॉक्सिटी अगर इसकी हो जाए तो कम कभी छूटेगी, बुखार चढ़ेगा, वॉमिटिंग होगी और थोड़ा बहुत बीपी लो हो जाएगा। लॉन्ग टर्म टॉक्सिटी में हाइपोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो जाता है और किडनी के लिए टॉक्सिक होती है। इंट्राथीकल आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हो तो ये सीजर कॉज कर देगी। हेपेटिक इम्पेयरमेंट की वजह से जॉन्डिस हो सकता है। नेक्स्ट है निस्टाटिन, ये फंगस रिन भी इसको अपन कहते हैं, एम्फोटेरिसिन बी जैसी है पर ज़्यादा टॉक्सिक है। सुपरफिशियल कैंडिडाइसिस जैसे स्किन, माउथ, वजन और इंटेस्टाइन के लिए अपन काम में लेते हैं, टैबलेट्स और ऑइंटमेंट की फॉर्म में लेते हैं, वेजन टैबलेट्स भी इसकी अवेलेबल हैं। दूसरे पॉलिइन्स के अंदर हैनमाइसिन और नेटामाइसिन भी आती हैं। हैनमाइसिन वाटर सॉल्यूबल है, जीआईटी में एब्जॉर्ब होती है पर रिलायबल नहीं है, सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन के काम में नहीं ले सकते हैं। टॉपिकली आप काम में ले सकते हो तो एस्परजिलस, कैंडिडा, मोनिलियल, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस इन्फेक्शन के काम में आती है। नेटामाइसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक है भाई, ये टॉपिकली लगाई जा सकती है केराटाइटिस के लिए, मोनिलियल इन्फेक्शन या ट्राइकोमोनास वेजिनालिस के लिए। नेक्स्ट ड्रग है हेटरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन, जिसमें ग्राइसोफल्विन आ रही है, ये पेनिसिलियम ग्राइसोफल्विन से एक्सट्रैक्ट की जाती है, डर्मेटोफाइट्स के अगेंस्ट में काफ़ी एक्टिव है, जैसे एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ये सब डर्मेटोफाइट्स हैं भाई, पर कैंडिडा वगैरह दूसरी फंगाइयों के लिए जो डीप माइकोसिस कॉज करती है उसमें ये एक्टिव नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये माइटोटिक स्पिंडल को डिस्टर्ब कर देती है और माइटोसिस को मेटाफेज में ही रोक देती है। ये बाइंड होती है न्यूली सिंथेसाइज केराटिन के साथ में और फंगल इन्वेजन के लिए उसको रेजिस्टेंट बनाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, टॉपिकली ये इफेक्टिव नहीं है, ओरली देना पड़ेगा, पर जीआईटी में एब्जॉर्ब भी अलग अलग तरीके से ये होती है।
माइक्रोनाइजेशन ड्रग पार्टिकल किया जा सकता है फैटी मील के साथ में इंजेस्ट करवा करके, अगर करवाया जा रहा है तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी में चेंज देखने को मिलेगा। थेराप्यूटिक यूज़ क्या है इसका? सिस्टमिक ट्रीटमेंट कर रही है डर्मेटोफाइट्स का। टर्बिनाफिन और एजोल्स के साथ में ज़्यादा एफिकेशियस होती है। एडवर्स इफेक्ट इंट्रैक्शन, क्योंकि हेडेक और रहने लगेगा, नोजिया वॉमिटिंग रहने लगेगी अगर क्रॉनिक यूज़ करें। फोटो सेंसिटिविटी हो जाएगी, पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज हो जाता है। यह साइटोक्रोम P450 का इंड्यूसर भी होता है, इसलिए वॉरफेरिन के इफेक्टिवनेस को भी ये कम कर देता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इफेक्टिवनेस को भी कम कर देता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर आप साथ ले रहे हो तो ये मेडिसिन लेने का कोई मतलब नहीं है। इस मेडिसिन साथ आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं ले सकते, वो असर नहीं दिखाएगी। अब एंटी मेटाबोलाइट्स, फ्लूसाइटोसिन, ये साइटोसिन का फ्लोरिनेटेड एनालॉग है, स्ट्रक्चरली रिलेटेड होता है, इसलिए ये एंटी न्योप्लास्टिक एजेंट से स्ट्रक्चरली रिलेटेड होता है, क्योंकि साइटोसिन एंटी न्योप्लास्टिक एजेंट में अपन पढ़ते हैं। फ्लोरोयूरासिल 5 फ्लोरोयूरासिल के जैसा एंटी न्योप्लास्टिक जो एजेंट है उसके जैसा ये होता है। मैकेनिज्म एक्शन क्या है भाई? ये फंगल सेल में साइटोसिन परमेज एंजाइम के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होता है और ये फ्लोरोयूरासिल में कन्वर्ट हो जाएगा इस एंजाइम के द्वारा। फिर वापस इसका मेटाबॉलिज्म होएगा और ये थाइमी डाइलेट सिंथेटेज को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि फंगाई का डीएनए सिंथेसिस रुक जाएगा। सीधा इतना लिख दीजिए, आपके फंगाई का डीएनए सिंथेसिस रुक जाता है। इतनी लाइनें लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बताया भाई ये पूरा जो अपन ने अभी बोला ना, यूरासिल से UMB बन रहा है, फिर थाइमी डाइलेट सिंथेटेज पर असर पड़ रहा है वगैरह, इसमें चार्ट में दिया हुआ है। अब फार्माकोकाइनेटिक, इसका थेरेप्टिक यूज़ और एडवर्स इफेक्ट देखिए भाई। ओरली वेल एब्जॉर्ब हो जाता है, हाफ लाइफ 3 से 6 घंटे की है। लेवल इसका राइज होता है रैपिडली रीनल इम्पेयरमेंट के केस में, तो टॉक्सिटी ये कॉज कर देता है। थेरेप्टिक यूज़ क्या है? कॉम्बिनेशन थेरेपी में आप इसको दे सकते हो कैंडिडाइसिस और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के केस में, या क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस के केस में भी आप दे सकते हो। मोनोथेरेपी भी दे सकते हो अगर किसी को रेजिस्टेंस या थेरापेटिक फेलियर हुआ हो तो, देखने को मिल रहा होता है। एडवर्स रिएक्शन है बोन मैरो डिप्रेस हो जाएगी, जिससे कि ल्यूकोसाइट का नंबर कम हो जाता है, प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है। हेपेटिक एंजाइम्स वो बढ़ जाएंगे, जिससे कि हिपेटोमिगैली हो जाती है, और वो भी रिवर्सिबली, जिसको आप ठीक भी कर सकते हो। नोजिया वॉमिटिंग कॉज हो जाता है, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस और स्किन रैशेस हो जाते हैं। नेक्स्ट जगह एजोल, जिसमें इमिडाजोल और ट्राइजोल आती है। इमिडाजोल टॉपिकली लगाई जा सकती है, जिसके नाम यहाँ दिए गए हैं। सिस्टमिक के अंदर कीटोकेनाजोल आती है। टॉपिकली के लिए तो अपने पास 5 एजेंट मौजूद है। ट्राइजोल में फ्लुकोनाजोल, आइट्राकोनाजोल और वॉरिकानोजोल प्रेजेंट है हमारे पास। ये फंगाई स्टैटिक और फंगाई साइडल दोनों प्रॉपर्टीज रखती है, डिपेंड कर रहा है ड्रग आप कितनी कंसंट्रेशन में दे रहे हो। कम में दे रहे हो तो स्टैटिक रखेगा और ज़्यादा में दे रहे हो तो साइडल इफेक्ट दिखाएगा। एजोल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। इमिडाजोल ग्रुप जिसमें 2 नाइट्रोजन एजोल रिंग में होता है, ट्राइजोल ग्रुप में 3 नाइट्रोजन 1 एजोल रिंग में होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये फंगल साइटोक्रोम P450 के ऊपर बाइंड कर रही होती है और डीमिथाइलेशन कर रहा है अर्गोस्ट्रोल सिंथेसिस का, जिसे कि अर्गोस्ट्रोल का सिंथेसिस नहीं होगा और फंगाई की सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, ये दिखाया गया है। स्क्वायरिड एपिसोड्स और ये डीमिथाइलेस को कैसे ये रोक रहा है। अब कीटोकोनाजोल, फार्माकोकाइनेटिक एसिडिक पीएच इसको ज़रूरत होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है एक्लोरहाइड्रिया के केस में। कुछ पेशेंट जो कि एसिडिफाइंग एजेंट्स ले रहे हैं कीटानाजोल एडमिनिस्ट्रेशन से पहले, जैसे ऑरेंज जूस वगैरह, तो फिर आप इसकी बायो अवेलेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। हाफ लाइफ 8 से 10 घंटे है। पेंटेट ये CSF में कम ही पेंटेट करती है, इनइफेक्टिव है फंगल मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने में, क्योंकि ये घुसती नहीं ब्रेन के अंदर। थेरापेटिक यूज, हिस्टोप्लाज्मोसिस किसी को हुआ हो, यानी हिस्टोप्लाज्मा का इन्फेक्शन, कोकीडियोडोमाइकोसिस के केस में और नॉन CNS ब्लास्टोमाइकोसिस के केस के अंदर अपन दे सकते हैं। एडवर्स रिएक्शन नोजिया वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया कॉमनली दिखाता है। एडवर्स रिएक्शन
फूड के साथ हो सकता है, तो एलर्जिक डर्मेटाइटिस को कॉज कर देता है, लिवर एंजाइम को ये रिवर्सिबली बढ़ा देता है और टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस को ये रोकता है। एस्ट्राडायोल जो है वो गाइनेकोमेस्टिया भी कॉज करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की इरेगुलरिटीज भी कॉमन देखने को मिल रही होती हैं। ड्रग इंट्रैक्शन ये कीटोकैनाजोल जो है वो मैमेलियन साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करता है, फंगल साइटोक्रोम के कंपैरिजन में ज़्यादा इनहिबिट करता है। सीरम कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है जैसे कि सिसारपाइड, टर्फिनाडिन वगैरह। HMG कोएंजाइम ए डक्टेज इनहिबिटर भी ये होते हैं। रिफैम्पिसिन और फिनाइटोइन एक्सेलरेट कर देते हैं कीटाकोनाजोल के मेटाबॉलिज्म को और उसकी एफिकेसी को कम कर देंगे। ये अभी इसकी पूरी वो एक साथ चार्ट फार्माकोकाइनेटिक के, ये ड्रग जो एसिडिक पीएच की इसका आवश्यकता नहीं होती, जीएटी एब्जॉर्ब हो जाती है, हाफ लाइफ 27 से 37 घंटे हैं। डोजेस रिएक्शन जो है उसको रीनल इनसफिशिएंसी केस में डोजेस रिडक्शंस आर रिक्वायर्ड, कम करना पड़ेगा हमारे को डोज को अगर किसी को रीनल इनसफिशिएंसी है। ओरल पेनिट्रेशन आप कर सकते हो फ्लुकोनाजोल के, जबकि एट्राकोनाजोल जो है वो लेस गैस्ट्रिक पीएच के ऊपर एब्जॉर्ब होती है, हाई प्रोटीन बाउंड है, बायो अवेलेबिलिटी वेरी करती है, लीवर मेटाबोलाइज होगी, बाइल में एक्सक्रीट होगी, 30 से 35 घंटे हाफ लाइफ है, ज़्यादा स्पेसिफिक फंगल साइटोक्रोम P450 के लिए होती है। थेरापेटिक यूज़ फ्लुकोनाजोल वल्वोवजाइनल कैंडिडाइसिस, ओरोफेरिंजियल कैंडिडाइसिस और म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडाइसिस के अंदर दे सकते हैं। सिस्टमिक कैंडिडाइसिस के अंदर भी यह ड्रग काफ़ी अच्छी मानी जाती है, फंगल मेनिनजाइटिस में भी अच्छी है, जबकि एट्राकोनाजोल जो है वो हिस्टोप्लाज्मोसिस में, अधिकतर मेनिनजियल ब्लास्टोमाइकोसिस के अंदर, क्यूटेनियस और एक्स्ट्राक्यूटेनियस स्पोरोट्राइकोसिस के लिए, ओरोफेरिंजियल और क्यूटेनियस कैंडिडेज के लिए, रिंग वर्म फंगल नेल इन्फेक्शन में आप ये दे सकते हैं। एडवर्स रिएक्शन में फ्लुकोनाजोल में तो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और हेडेक रहेगा और सीरम ट्रांसमेनेज का अमाउंट बढ़ जाएगा और ये मैमेलियन के साथ में इंट्रैक्शन भी काफ़ी कम इसका देखने मिलता है, जबकि एट्राकोनाजोल का एडवर्स में पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी, एडिमा हो जाएगा, ट्रांस अमीनेस एंजाइम का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और कीटाकोनाजोल के साथ में इसका इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट ड्रग है वॉरिकोनाजोल, इसकी फार्माकोकाइनेटिक सेकेंड जनरेशन की ट्रायाजोल है, सेम डिस्टिंग्विश फीचर इसकी, हाई ओरल बायो अवेलेबिलिटी है कि 96% तक ये ओरली बायो अवेलेबल हो जाती है, लो प्रोटीन बाइंडिंग 55% तक है, CSF में पेनिट्रेशन भी काफ़ी अच्छा करती है, हाफ लाइफ इसकी केवल 6 घंटे की। थेरापेटिक यूज़ इन्वेजिव एस्परजिलोसिस किसी को हुआ हो, एस्परजिला का इन्फेक्शन तो अपन दे सकते हैं, या फिर ईसोफेजियल कैंडिडायसिस के केस में भी ये अच्छी ड्रग मानी जाती है। एडवर्स में विजुअल चेंजेस जैसे कि धुंधला दिखाई देगा, कलर परसेप्शन भी खराब हो जाएगा, कलर को ढंग से पहचान नहीं पाओगे और लाइट से डर लगेगा, नोजिया हो जाएगा, हिपैटिक एंजाइम बढ़ जाते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन में रिफैम्पिसिन, रिटाब्यूटेन के साथ में, फिनाइटोइन के साथ में और रिटोनाविर के साथ में ये इंट्रैक्शन दिखाता है जिससे कि एफिकेसी को कम कर देगा। मेटाबॉलिज्म में भी ये चेंजेस कर देता है कुछ ड्रग के, वॉरफेरिन वगैरह में। एलाइलामिन, टर्बिनाफिन और फंगीसाइडल भी अपन इसको कह रहे होते हैं, स्क्वालीन एपॉक्साइडेज को ये कन्वर्ट कर देता है, एपॉक्साइडेज की वजह से स्क्वालीन जो है लैनोस्टेरोल के अंदर कन्वर्ट होता है, टर्बिनाफिन जो होती है इस एंजाइम को रोक देगी सीधा, तो फिर ये कन्वर्जन लैनोस्टेरोल वगैरह का प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता, बहुत कम हो पाता है, तो इस तरह से ये फंगाई के सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी और फंक्शन को अफेक्ट करती है। ये फार्माकोकाइनेटिक लाइपोफिलिक है बहुत ज़्यादा, किरेटोफिलिक भी है जिससे कि स्ट्रैटम, कॉर्नियम, सीबम, हेयर और नेल्स के अंदर इसकी कंसंट्रेशन हाई रहती है, लंबी इसकी हाफ लाइफ होती है, 15 दिनों तक ये अपना असर दिखाएगी और बहुत स्लो रिलीज होती है ये स्किन में, नेल्स में और एडिपोज टिश्यू से, ये इसका एक्शन दिखाया गया है, फंगल सेल डेथ कैसे स्क्वालीन के द्वारा ये कर रहा है। थेरापेटिक यूज सिस्टमिकली और टॉपिकली दोनों यूज़ कर सकते हैं, ओरली भी दिया जाता है केवल
ओनाइकोमाइकोसिस को ट्रीट करने के लिए। अनलेबल्ड यूज है इसका टॉपिकल ट्रीटमेंट क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस के अंदर, अपन कुछ खास इसके बारे में कह नहीं सकते। एडवर्स इफेक्ट में सरदर्द होएगा, जीआईटी अपसेट हो जाता है, लिवर एंजाइम बढ़ जाते हैं और हिपेटोबिलरी डिसफंक्शन ये कॉज करता है, पर बहुत रेयरली वो भी। अब ये इन सब का एक साथ मैकेनिज्म एक्शन दिखाया गया है भाई इस चार्ट के अंदर, डायग्राम में आप देख सकते हैं जो अभी अपन ने इतने सारी बोली ना उसकी एक साथ बताई गई है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये एक्शन कर रहे हैं। ये आप खुद देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंटी फंगल स्क्रीनिंग देखिए इसका कारण क्या है। द पर्पस ऑफ एंटी फंगल स्क्रीनिंग इज नॉट टू डिफाइन द थेरापेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल कंपाउंड बट रादर टू इंडिकेट विच ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स और सैंपल्स आर वर्दी ऑफ फर्दर स्टडी। भाई अपन इसलिए देख रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि ये नहीं कि इसका थेरापेटिक प्रॉपर्टी क्या है, बल्कि ये अपने लिए और ज़्यादा कितनी काम की होती हैं। इसमें अपन इन विट्रो स्क्रीनिंग, सिलेक्टिव स्क्रीनिंग, इन वाइवो स्क्रीनिंग कर सकते हैं, बस ठीक है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, आप रहने दीजिए। इसके साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म है, स्क्रीनिंग आप खुद से पढ़ लीजिएगा। बाकी अपन को फार्मा फार्मेसी डिग्री लेनी नहीं है, स्क्रीनिंग अपने लिए ज़रूरी नहीं है। अपना टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।